वीरांगनाओं की बात है, मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर कभी भी और किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने वर्दी पहनकर इस देश की सेवा करने का काम किया और सुप्रीम सैक्रिफाइस जिन्होंने किया है, अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले जो लोग जो इस देश के कारण शहादत उन्होंने दी है, उन लोगों की तुलना करना ही संभव नहीं है। और उनके परिजन जो हैं वो इस देश की संपत्ति हैं, उनको सहयोजे रखना, उनको मान सम्मान देना, उनके हर तरह मदद करना, ये हर सरकार, हर संस्था, हर नागरिक, हम सभी का कर्तव्य है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो वीरांगनाओं का जो पैकेज है, जो सरकार की सहायता है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, वो सब लोगों को मिली है। इसके अलावा भी अगर कोई मांग थी, उन मांगों को मैं ऐसा मानता हूँ कि संवेदनशीलता से अगर हम बैठ के इन बातों को सुनते, और किसी भी नागरिक, खासकर ऐसी जो वीरांगना है, जो विधवा है, जिनके पतियों ने देश के लिए शहादत दी है, उन लोगों की बातों को सुनना, संवेदनशील होना, और मांगें कितनी जायज़, कितनी संभव हैं, कानूनी, संवैधानिक जो भी मसले हैं वो हम सुलझा सकते हैं आज नहीं तो कल, लेकिन उनकी बातों को सुनना ज़रूरी था। आप सभी जानते हैं कि ये तीनों जो महिलाएं हैं, ये मेरे घर भी आई थी, और मेरा घर कोई मेरा नहीं है, सरकार का घर है, वो मेरे पास आई थी, मैंने उनकी बातों को सुना, मेरे घर पे आई, मैंने उनको खाना खिलाया, जूस पिलाया, और बहुत उत्तेजित थी, बहुत दुखी थी। और मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ कि कारण कोई भी हो, अगर कोई वीरांगना अपनी बात को रखती है, उसकी बात को हम माने या ना माने वो बात का विषय है, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार पुलिस ने किया, जो हमने टेलीविज़न में देखा, वो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और किसी भी नागरिक के साथ अगर कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, खासकर जो महिला हैं, विधवा हैं, और कोई भी कारण रहा हो, उनकी बातों को मानना ना मानना, जायज़ रखना ना रखना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो विषय बाद का है, लेकिन जिस प्रकार का ट्रीटमेंट किया, जो मेरे को खुद वो बता रही थी, तो मैं खुद बहुत आहत था, और मुझे लगा अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की कार्रवाई करवाई है या करी है, तो उसकी जांच कराकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा मानना है, मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ। जहाँ तक बाकी विषय हैं, उस पर सरकार ने अपनी बात रखी हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, धरना देना, प्रदर्शन करना, मांग रखना, ये हमारे लोकतंत्र की एक पहचान है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पायलट साहब, अरे भाई, ये तबड़ा देश है, तबड़ा प्रदेश है, जो भी यहाँ पर आए, हम तो ये तो राजस्थान में तो अतिथियों का स्वागत करने का एक पुरानी परंपरा है, जो भी आए अपनी बात को रखे, लेकिन मेरा इतना निवेदन है हर दल के नेता से, कोई भी हो वो, कि जो भी यहाँ पर आए, विकास की बात करे, लोगों को जोड़ने की बात करे, अमन चैन भाईचारे की बात करे, और लोकतंत्र में कोई भी आए, चुनाव लड़े, तो जनता तय करती है, जनता जनार्दन है, कौन जीतेगा कौन हारेगा समय बताएगा, लेकिन हमें तो हमेशा खुले दिल के लोग हैं और हमेशा हर एक का स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी आए व्यक्ति या दल या विचारधारक लोग आए, सबका स्वागत है, अपनी बात को रखें, लेकिन बेहतर ये होगा सियासत के लिए, प्रदेश और देश के लिए, कि जो भी यहाँ पर आए, प्यार मोहब्बत की बात करें, कोई कमी दिखे उसको बताए, गिनाए, चर्चा करें, लेकिन डेवलपमेंट, लोगों के रोजगार इशू जो पब्लिक के हैं, वो ज़्यादा मैं समझता हूँ रेखांकित करने की ज़रूरत है। भाई, इस राजस्थान में चुनाव कब नहीं होते, पंचायत के, जिला परिषद के, म्यूनसिपैलिटी के, नगर निगम के उपचुनाव, चुनाव तो हमेशा होते रहते हैं। अभी कर्नाटक के चुनाव हैं, मैं भी चुनावी प्राणी हूं भाई, मैं भी जब चुनाव होते चुनाव लड़ता हूं, और जब मौका मिलता है हम लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये बिल्कुल सही बात है कि 2023 एक चुनावी साल है, और इस साल में हम लोगों को दुगनी मेहनत करके जनता के बीच पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये राजनीति बड़ी प्रतिस्पर्धा वाला अब मुद्दा हो गया है, हर दल हर नेता चाहता है कि अपनी बात को रखें, लेकिन अंत में पब्लिक तय करेगी कौन सही है कौन गलत है। मेरा सपना है कि देश आगे बढ़े, राजस्थान विकसित हो और पूरे जिले में विकास के काम हो, ये मेरा सपना है।